चीन के वुहान से कोरोना का सफर शुरू हुआ। दुनिया और देश के कोने कोने तक कोरोना जो है फैल चुका है। और मैं अगर बात करूं अपने देश की, भारत की, तो भारत का बहुत कम ऐसा इलाका है जो कोरोना बीमारी से अछूता है। ज़्यादातर इलाकों में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं डॉक्टरों की और अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों की, जो कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, वो हमेशा से सरकार से मांग कर रहे हैं कि पीपीई किट या उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। और सरकार एक तरफ तो इंतज़ाम करने की बात कह रही है, वहीं पे एक चीज़ सामने आई कि एमपी के 50 से ज़ायद डॉक्टरों ने जो है अपने काम से जो है इस्तीफ़ा दे दिया। मगर मैं बात कर रहा हूँ इस समय महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के मुंबई की। मुंबई में एक शख्स ऐसा है जो कि डॉक्टरों की इन कमियों को पूरा करने का दावा कर रहा है। जी हाँ, और वो दावा कितना सच है मैं आपको उससे मिलवाऊंगा जल्द ही, और मैं उनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके की डॉक्टरों के लिए वो सुविधाएं बना रहे हैं और कौन सी चीज़ें उनको मुहैया करवा रहे हैं। मेरे साथ में इस समय मौजूद है, सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है ज़ीशान रखांगे जी। ज़ीशान जी, ये बताइए किस तरीके की मदद आप गवर्नमेंट को, सरकार को, डॉक्टरों को देना चाह रहे हैं? देखिए, जो है फिलहाल जो कंडीशन है आप सब जानते हैं कि हमारे हालात कैसे हैं, और जो है फिलहाल डॉक्टर्स जो है वो फ्रंट वॉरियर है, वो जो है इस बीमारी से जो है डायरेक्ट लड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर बताओ कि किसी को मालूम हो कि भाई ये कोई गाड़ी है और इसके अंदर ब्रेक फेल है इसका, तो हम और मैं कभी हिम्मत नहीं करेंगे गाड़ी में बैठने की। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर्स को पता है ये बीमारी का जो है आखिरी पड़ाव जो है वो मौत है, उसके बावजूद जो है वो अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी फैमिली को के बगैर सोचे बगैर, अब उनके भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, उनके बारे में सोचे बगैर जो है वो इन पेशेंट्स का जो इलाज कर रहे हैं, और जो है मुसलसल अपनी जान हथेली पर रखकर जो है इसके बारे में जो लड़ रहे हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए जो हमने अपना एक छोटा सा कदम उठाया है एक इंजीनियर होते हुए, और हमारी जो मशीन है, जो हमारी कंपनी है ऑप्टिमा 3D, जिसके फाउंडर्स है अहमद सैयद, सलमान रखांगे, अंजित और अंजित बालन, और जो है अली सैयद, ये चारों जिसके मेन फाउंडर्स हैं, और जो मैं जो इनका बड़ा भाई हूँ, तो मैंने इनका साथ दिया हूँ ताकि हम जो है कुछ अब इस देश के लिए कर पाए। क्योंकि इस देश में जो पॉपुलेशन है वो 130 crore है, 130 crore अप्रॉक्सीमेटली। अगर उस पॉपुलेशन की हम नहीं सोचेंगे तो वो जो है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हम सब के लिए। और उसी की प्रोटेक्शन के लिए हम जो सबसे पहली चीज़ बनाई है वो है फेस शील्ड। हमने शुरुआत जो किया था वो है डिज़ाइन से, और डिज़ाइनिंग में जो अप्रूवल करते 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 उसमें जो है हमने बेटरमेंट लाते हुए एक फाइनल शील्ड जो हमने लेकर आई, और इसका टेस्टिंग के लिए, इसकी ट्रायल के लिए हमने जो बाबा हॉस्पिटल को अप्रोच किया। जी, शीट बताना चाहेंगे आप? इसकी शीट आप देखना चाहेंगे तो ये जो है फाइनल कंप्लीट प्रोडक्ट है जी, जिसके अंदर जो है मटेरियल जो लगाया जाता है, इसको आप अगर देखना चाहेंगे तो ये जो है ये इसका प्रोडक्ट होता है, इसको हेड स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये जो है एक OHP शीट होती है। इसका जो लगाना बहुत आसान होता है, कोई भी इंसान जो है इसको लगा सकता है। इसका बेसिक जो है, इसमें होल हमारे प्रिंटेड होते हैं, या आपने इस पर अटैच कर लिया। That's it. और ये आपने इसको ऐसे पहन लिया। अगर आप देखें कि बेसिकली जो इस जर्म्स के जो है जिस्म बॉडी में जाने के तीन जो है जरिए है, एक तो माउथ है, एक नोज़ है, और एक आईज़ है। माउथ और नोज़ के लिए आपके पास प्रोटेक्शन है, वो जो है आपका मास्क, लेकिन आईज़ आपकी जो है ओपन है, और उसके कंप्लीट प्रोटेक्शन के लिए ये है, जिसके ज़रिए जो डॉक्टर लोग को बहुत हेल्प होगी। ज़ीशान जी, अगर मैं बात करूँ इस, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप बना रहे हैं डॉक्टरों की सुविधाओं के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके बचाव के लिए? इसके अलावा एक और प्रोडक्ट हमने बनाया है जिसको हमने ईयर गार्ड कहा है। अब ईयर गार्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इस चीज़ को ईयर गार्ड कहा जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने मास्क को जो है 24/7 पहनते हैं। इफ़ यू टेक मी, या आपकी ट्रायल हो या मेरी ट्रायल हो, तो हम कुछ देर पहनते हैं और घर में जो रख देते हैं, लेकिन डॉक्टर को 24/7 पहनना पड़ता है। तो इसका इस्तेमाल ऐसा होता है जब ये डॉक्टर इसको अप्लाई करता है, फॉर एग्जाम्पल ये जब ऐसा अप्लाई करता है तो ये कानों के ऊपर स्ट्रेन डालता है। आप देख सकते जी, जब आप 24 घंटे पहनेंगे तो आप इसका हिसाब लगा सकते हैं, आपके यहाँ पे जो निशान आ जाएगा और आपके कान को तकलीफ देगी।
तो ये इस वक्त पे ये प्रोडक्ट आपको काम देता है। ये ईयर गार्ड जब आप इस पे लगाते हैं, ये एक एक्सटेंशन हो जाता है और इस तरीके से आपके ईयर का जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। तो आप अगर इसको 24/7 भी पहनते तो आपको इंशाल्लाह कोई तकलीफ नहीं होगी। जीशान जी, अगर मैं बात करूं इन सारी चीज़ों की कॉस्टिंग की कि कितना खर्च आपको इसे बनाने में आ रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो 3D प्रिंटेड होती है, इसका जो मटेरियल होता है या तो PLA होता है या ABS होता है। और जो है इसके बारे में आप हमारी मशीन जो है पीछे देख सकते हैं, जो वर्किंग फिलहाल जो करंटली जो है प्रिंट अभी भी चालू है। तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग हमने लगाया है दोनों प्रोडक्ट का मिला के, क्योंकि मैं जो है डॉक्टर्स को दोनों चीज़ देना चाहता हूँ, इन दोनों चीज़ की कंप्लीट वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो फिलहाल जो है 115 रुपीज़। और जो हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इसको और नीचे लाने की कोशिश करें, 115 रुपये, दैट्स इट। ये कंप्लीट दोनों चीज़ को मिला के आप इसको भी लीजिए और इसको भी ऐड कीजिए। और ये जो है हम इसका प्लान ये है हमारा कि हम जो है फंड रेजिंग फिलहाल हमने शुरू किया है कीटो वेबसाइट से, जो है एक जो ऑनलाइन क्राउड सोर्सिंग फंड जो है रेज करती है, उनको हमने अप्रोच किया और उनको हमने जो हमारा सबसे पहला लेटर जो बाबा हॉस्पिटल की तरफ से हमारे को मिला है वो हमने जो है शेयर किया। बाबा हॉस्पिटल से किस तरीके का आपने संपर्क किया, किस तरीके से उनसे बात हुई, ये बताइए। बाबा हॉस्पिटल के अंदर जो मैंने सबसे पहले को जो है कुछ रोज़ पहले, 4 या 5 रोज़ पहले जब मैंने अप्रोच किया और उनको जो है मेरी डिज़ाइन दोनों पेश किया कि ये मेरी डिज़ाइन है और ये मेरा प्लान है आप लोग को हेल्प करने का, तो उन्होंने मुझसे पहले सवाल किया कि आप लोग इसको बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं या डोनेट करना चाहते हैं। तो हमने उनको सीधा कहा कि मैम हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, जैसे आप इस देश की रक्षा कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर रख के, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे उसके सामने, हम तो बस घर में बैठ के इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं और आपको हम फ्री में प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर आप लोग एक्सेप्ट कर ले तो हमारी खुशकिस्मती होंगी, बल्कि एक मेहरबानी होंगी हमारे कि हमारे जो है बोलते ना शहीद उंगली कटा के शहीदों में नाम लिख देना, ये वैसे वाली बात हो जाएगी। किस तरीके का एग्रीमेंट जो है आपने बाबा हॉस्पिटल के साथ में साइन किया है? फिलहाल जो एग्रीमेंट साइन किया है हमने जो है एक लेटर उनसे लिया है जिसके अंदर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है, ये लेटर आप दिखा सकते हैं, ये एक डोनेशन लेटर है जहाँ पर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है फॉर 5,000 शीट्स एंड वी आर रेडी टू गिव ऑल दीज प्रोडक्ट्स। ये कल ही की डेट का लेटर है आप देख सकते हैं और ऑलरेडी मैंने प्रिंटिंग करके आप प्रोडक्ट्स बता सकते हैं, ऑलरेडी वी आर रेडी विद 200 शीट्स। कितना समय इसको लगेगा आपको बनाने में, जो 5,000 का जो इन्होंने मांग की है कितना समय लग सकता है पूरा होने में? देखिए, एक जो ये शील्ड है इसको प्रिंट होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो है 45-50 मिनट जाता है जी। और हमारे पास जो अभी जो हमारी खुद की ओन की हुई है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 6 मशीन्स है जी। जो 24/7 चल रही है जिसपे प्रिंटिंग चालू है। इसके अलावा और भी जो मुंबई में ऐसे लोग हैं जिनके पास मशीन तो है लेकिन ये कोडिंग जो है इसकी सबसे मेन चीज़ है जी। आपके पास मशीन होना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी तो है आपके, लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी डिज़ाइन जो है हम इसको फ्री सोर्स में दे रहे हैं और उनको हम जो अप्रोच कर रहे हैं जो हमारा फंडिंग कॉस्ट है उसके ऊपर जो आप हमारे को हेल्प कीजिए। और वो लोग बहुत अच्छी बात है कि अराउंड ऑल ओवर मुंबई जो 24 सप्लायर्स ऑफ मशीन, ओनर्स ऑफ दिस मशीन रेडी हो चुके हैं हमारे साथ काम करने के लिए। और उसके ज़रिए जो है हमारे को बहुत बड़ी एक हेल्प मिली है और इंशाल्लाह मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन हुआ है, ये सिर्फ जो है 12 घंटे के अंदर हमने जो है 200 शीट्स प्रोवाइड कर ली है और इसको हम जो और एक्सटेंड करेंगे और एक्सटेंड करके मेरी उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर हम 5,000 शीट्स का जो पूरी ज़ोर कोशिश करेंगे कि हम इसका एग्जीक्यूट कर पाए। जीशान जी, अगर मैं बात करूँ आगे और भी महाराष्ट्र के अंदर और भी हॉस्पिटल्स हैं, मुंबई के अंदर और भी हॉस्पिटल्स हैं, बाबा हॉस्पिटल को छोड़ के क्या अन्य हॉस्पिटलों में भी आप इस चीज़ की सप्लाई दोगे? जी बिल्कुल, हमारा पूरा एम जो है वो इंडिया है जी। Our aim is India and to protect India। तो हम शुरुआत फिलहाल बाबा हॉस्पिटल से कर रहे हैं और यही बात क्यों हमने कीटो को अप्रोच किया था और हमने अंदाज़ा लगाया कि जब हमने जादव सर जो डीन है उनसे पूछा कि फिलहाल जो है वो स्टाफ क्वांटिटी क्या है, तो उन्होंने कहा 750 स्टाफ जो हमारा वर्किंग है और इंक्लूडिंग सिक्योरिटी आप गिनोगे तो 930 स्टाफ होता है, तो उसी लिए उन्होंने हमसे 5,000 शील्ड्स मांगा है। तो अगर सिर्फ बाबा हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट 5,000 शील्ड्स है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे मुंबई के हॉस्पिटल्स का कितना रिक्वायरमेंट आएगा। और ये सिर्फ फ्रंट एंड वर्कर्स है, इसके अलावा पुलिस ऑफिशियल्स भी है, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी है, हम ट्रैफिक पुलिस को नहीं छोड़ सकते हैं, उन वो भी हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपनी जान हथेली पर रह के 12-12 घंटे 14 घंटा हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं। हमको तो दिख रहा है कि भाई वो नाकाबंदी कर रहे हैं, हमको लाठियाँ मार रहे हैं, हालांकि वो असलियत नहीं, उनका शौक नहीं है बिल्कुल, ये उनका शौक नहीं है कि भाई किसी को लाठी मारो, ले तो हमारी रक्षा के लिए वो कर रहे हैं अपनी जान हथेली पर रख के।
तो बात यह है कि हम हर एक इंसान को रीच करना चाहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई वी विल अप्रोच महाराष्ट्र फर्स्ट ऑन प्रायोरिटी बेसिस. इफ द गवर्नमेंट हेल्प अस वी आर रेडी टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस. जस्ट हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जावे, दैट्स इट. मतलब आप कोई अगर आपको मदद करना चाहता है, मान लीजिए आप ये बढ़िया काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, देश के हित में आप काम कर रहे हो, तो अगर कोई हेल्प करना चाहता हो किस तरीके से आपको संपर्क कर सकता है और किस तरीके से आप तक पहुंच सकता है? तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा, ये हमारा कार्ड है जिसके ऊपर हमारी कंपनी का नाम है ऑप्टिमा 3D, और जो है आपके ऊपर जो हमारा लिंक भी है, वेबसाइट लिंक भी है और इंस्टाग्राम लिंक भी है जी. और दूसरा जो है कीटो वेबसाइट के ऊपर हमने जो है कल रात को अप्रोच किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है हमारा प्रपोजल आज सुबह 10 बजे सिर्फ सुना जी. और उन्होंने हमने उनको ये अप्रोच किया कि सर सिर्फ एक हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट 5000 शील्ड है. तो हमारा ये अंदाज़ा है मुंबई के अंदर अगर हम अप्रोच करने जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे को 50,000 शील्ड तो मुझे ऐसे ही निकल जाएगी. तो हमारा अंदाज़ा अकॉर्डिंग टू 115 रुपीज़ हमने अप्रॉक्सीमेट उनसे जो अप्रीजल मांगा था वो 5 to 8 lakhs का था और उन्होंने हमसे 2 घंटे का वक्त मांगा इसके बारे में सोचने के लिए. और सोचने के बाद हम जहाँ पे उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 to 8 lakhs का अप्रेजल के लिए, फंड रेजिंग के लिए, उन्होंने हमें 50 lakhs के लिए अप्रेजल के लिए रेडी हो चुके हैं. और जो है हमारा अप्रेजल रेडी हो चुका है और 4 बजे से जो है हम क्राउडसोर्स फंडिंग के लिए एक्टिव हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे को अप्रॉक्सीमेटली अभी 25,000 रुपीज़ जो है जमा भी हो चुके हैं. और जो है हम इसके लिए और लोगों से बस इल्तिजा करेंगे कि आप जो है थोड़ा सा हेल्प हमें कीजिए और जो है हमको रीच ऑफ द मासेस चाहिए. हुएवर इज़ रेडी टू फाइनेंस अस, वी आर रेडी टू सर्व द नेशन, दैट्स इट. जैसे कि आपने देखा, ये थे ज़ीशान जो कुछ लोगों के साथ मिलकर इन लोगों ने एक मुहिम शुरू की के देश में जो कोरोना महामारी का कहर बरपा है सामान्य लोगों पर, और क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या डॉक्टर्स, क्या नर्सेस, सभी लोग इसका शिकार हो रहे हैं. और मैं अगर बात करूं महाराष्ट्र के मुंबई इलाके की, तो मुंबई में ये महामारी जो है अपना विकराल रूप धारण करते हुए नज़र आ रही है. क्योंकि पहले जहां पे 1-2 आंकड़े सामने आते थे 24 घंटे में, वही अब जो है मुंबई 100 का आंकड़ा क्रॉस करने लगा है. ये महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी है, ये देश की आर्थिक राजधानी है. यहाँ पे अगर कोरोना अपने पूरी तरीके से पैर पसारता है तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि किस कदर तबाही मचेगी पूरे भारत भर में. क्योंकि जो है भारत की आर्थिक रीढ़ अगर डगमगा गई तो भारत की पूरी आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी. तो ऐसे युवा जो कि देश हित में काम करना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, मैं चाहूँगा ज़ीशान जैसे ऐसे युवाओं को आप भी समर्थन दें और आगे बढ़ें ताकि ये देश को और देश की रीढ़ की हड्डी मुंबई को बचाने के लिए पूरी तरीके से कारगुजर हो सके. कैमरामैन शफीक साटवीकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई.